सुरिंदर सिंह है। मैं ओरिजिनली जम्मू से रहने वाला हूँ और मैं BPCL में जॉब करता था। मैं रिटायरमेंट हुआ है अक्टूबर 2020 में, और जनवरी 2021 में मैंने पुणे में एक फ्लैट बुक किया था, जो तभी उसकी कंस्ट्रक्शन होना बाकी थी। जनवरी 2021 के बाद मैं आज आया हूँ यहाँ पर, जबकि ये फ्लैट फुली रेडी हो चुका है। कंस्ट्रक्शन के बाद जो टेक ओवर किया था वो भी मेरी डॉटर और सानी ला ने टेक ओवर किया था, और उसके बाद इसको इंटीरियर करने के लिए भी पूरी जिम्मेदारी इनकी थी, मेरी डॉटर और सानी ला की। और उसके बाद इन्होंने V9 इंटीरियर से इन्होंने अपना कनेक्शन इस्टेब्लिश किया, और जो उनके हैं प्रोपराइटर मिस्टर विनय कुमार, उनके साथ, ये इनके शायद बचपन के दोस्त हैं, जैसे एज पर इनकी स्टेटमेंट ये बचपन के दोस्त हैं। इन्होंने इसका पूरा इंटीरियर ही डेकोरेट किया है, तो मेरे को ऐसे लगता था कि पता नहीं क्या होगा, हम कभी आए नहीं थे, पर इट्स लुक्स लाइक इट्स वेरी गुड, अमेजिंग। हमें बहुत अच्छा लगा है यहाँ पर आके इनका देख के। तो इनका काम अभी तक तो बहुत पसंद आया है, फर्स्ट इंप्रेशन में बहुत अच्छा है, रह के देखेंगे, इट और विल क्या बी वेरी चाहिए। गुड ऑल्सो। ये फ्लैट हमने लिया था, जब मैं पहली बार इसको देखा, मैंने जब इंटीरियर नहीं हुआ था तो मुझे ये कुछ खास नहीं लगा, और मैं ये सोच रही थी कि पता नहीं क्यों हमने ये लिया, या कुछ भी ऐसे था, मैंने ये था मेरे मन में। तो फिर अब जब हमने अब देखा, फर्स्ट टाइम आके देखा ये, उसके बाद देखा तो मैं तो एकदम से सरप्राइज थी कि अरे वाह कैसा है, मतलब मेरे मुँह से वाह निकल रहा था हर चीज़ को देखते हुए, वाह वाह ये बहुत अच्छा है, ऐसा करके बहुत ही अच्छा, बहुत ही और हर अच्छा चीज के बना। पीछे कुछ स्पेशल थॉट्स जरूर गए हैं। हाँ ये था। विनय ढवळे आणि मी लहानपणाचे मित्र आहोत आणि त्याचं काम बघून मला इतकं त्याच्याविषयी अभिमान वाटतो, कारण की आम्ही शाळेत अगदी दोघे अगदी ॲव्हरेज स्टुडंट्स होतो, पण तो आता इतका चांगला इंटिरियर डेकोरेटर आहे. माझ्या इनलॉजनी ज्या दिवशी आम्हाला सांगितलं की इंटिरियर वगैरे घर पूर्ण रेडी करण्याची जबाबदारी तुमची आहे, त्यावेळी पहिलं नाव जे माझ्या डोक्यात आलं ते विनयचं आलं. मी त्याचं काम सोशल मीडियावर ऑलरेडी पाहिलेलं होतं आणि काम सोशल मीडियावर बघणं आणि ॲक्च्युअलमध्ये ते असणं ह्याच्यात फरक असतो ह्याचीही मला जाणीव होती. पण जेव्हा मी त्याच्याशी बोललो त्यांनी मला छोटे छोटे डिटेल्स एक्सप्लेन केले इंटिरियरचे, मला त्यांनी काही काही अशा गोष्टी सांगितल्या ज्या मला माहितीही नव्हत्या आणि त्यानंतर मला कळलं की ह्याच्यामध्ये किती मेहनत लागते. विनयने खूप जास्त मेहनत घेतली आहे आणि त्याचं फळ आज तुम्हाला दिसतच आहे. माझ्या इनलॉजनी फर्स्ट टाईम घर पाहिलं रेडी झाल्यावर आणि त्यांची रिॲक्शन तुम्ही पाहिलेलीच आहे. वी कुडन बी हॅपियर, वी आर कम्प्लिटली यु नो सरप्राईज्ड की एक घर असंही दिसू शकतं, जेव्हा रेडी नव्हतं तेव्हा त्याचा लुक खूप वेगळा होता
आणि इंटिरियर झाल्यानंतर त्याचा लुक इतका एनहान्स झाला आहे. सो वी आर व्हेरी हॅपी, वी आर एक्सायटेड, वी आर हॅपी फॉर देम की ते आता रिटायरमेंटसाठी त्यांनी पुण्याची निवड केली आणि वी हॅव डेव्हलप्ड अ व्हेरी गुड हाऊस फॉर देम. सो वी आर व्हेरी हॅपी. थँक्यू व्हेरी मच.